बजे। क्या बात है? हर बात ने खत्म करके आया हूं मैंने। फिर तारे दाद साई ने सहन कर लिया थारा जवाब? दाद साई ने बोलना शुरू किया, मैंने भी अपनी जबान खोल दी। फिर दाद साई चुप बैठ जा। ए छोरी, जाके रोटी पानी का बंदोबस्त कर। मन ने खबर मिली थी इस छोरी की, रब से बड़ी दुआ भी की। तन्ने रब से दुआ की, रब ने तारी दुआ सुन ली, मन ने बचा लिया छोरी ने। मन ने याद आया, आज रात तो इस छोरी का निकाह हुआ था ना। ए बिंदी, चल ढोलक बजा, दुल्हन का इस्तकबाल करते हैं। बोल सखी मन में क्या बात आवेगी, बोल सखी दिल में क्या बात आवेगी, अरे बोल सखी। क्या हो रहा भाई? सरकार बीवी साई का अस्ताना है जी, कोई खुशियां मनाई जा रही है। दिल में है पीड़ा और अखियों में नीर, वे छोड़े कि पहली जो रात आवेगी। बहुत बड़ी हस्ती है, जिस काम के लिए भी दुआ करें वो काम झट से हो जावे। अच्छा, कुछ दिन पहले बड़े साई ने जंदो से मिलने की दुआ कराई थी। जंदो? हाँ जी, बात पूरी कोना हुई थी कि जंदो टपक पड़ी। जंदो जिंदा है? हाँ जी, जिंदो जिंदा है, ता तो सबने मरण का खौफ लागे। बड़े साई ने भी पैरा सक करवा रखा है यो जिंदो के डर से। कि जिंदो जिंदा है, ये बात दाद साई ने मारे से क्यों छुपाई? पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। चल गाड़ी चला।
थारी जबान बंदी की हर जने कीमत अदा की है मन ने, यहां तक कि थारे पूत ने पढ़न वास्ते बाहर भेज दियो। तैं रही नीच की नीच, इब मारे सपूत ने बतावेगी मारे बारे में, तने जान छन न मार दूंगो। मड़न मार के सपूत ने के बतावेगा हर एक घंटे बाद मने फोन करे, कोई झूठ भी कोना काम आवेगा। सुसर जी, मारी एक एक बात इस माल से जुड़ी हर एक कहानी उसने अपने फोन में संभाल रखी है। बस एक बात कोना बता सकी, उसकी बाप के मौत का किस्सा कभी तो वो भी बता डालूंगी। ऐसा कुछ ना कहेगी, मने मारी मर्जी से जीण लड़ दे। पर यो याद रखियो, मौत थारी जिंदगी के आस पास ही मंडलावे है। खिलाड़ी ने अपनी जगह पे आ लेने दे दाद साई, थारा किस्सा तो मैं खत्म करूंगी। कुछ सुनिया तने के रात में गुल्लू साई ने दाद साई के खिलाफ बगावत कर दी। अच्छा, सुनन में आया है कि बाप सरकार बीबी की ओर चला गया। जिंदो के हत्ते चढ़ गया तो साथ ना लेन देवेगी। दाद सिंह छोड़ दिया, कुछ भी कोने किया। दाद सिंह के जुर्म का पहरेदार था वो, उसने मारना को आसान काम थोड़ी है। तो छोरी ने ले कहां गया वो? गुल्लू राज की वो गठड़ी है जो एक बार खुल गई तो दाद साईं का बचना मुश्किल हो जाएगा। कानून की बाजी कोना खेलूंगी। फिर क्या करेगी ता? चालबाजा से चाल चल चल के मरने भी चाल खेलना आ गई है। अब मैं अपना खेल रचाऊंगी। महल में जाएगी ता? रास्ता बना रही हूँ, बन गया तो मुड़ूंगी कोना। मर जाएगी ता? ते मारे सांस लेने को जीना कहता है। मर तो मैं कब की गई थी, बस अब मन्ने दफनाना बाकी है। के कर रहा है गलती हो गई दास सिंह, जनानी के चक्कर में तारे सामने बोल पड़ा। दास सिंह मन्ने माफ कर दो। दास सिंह थारी लुगाई किधर है? भाग गई ससुरी। मारी वफा मां तने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इस वास्ते थारी पहली गलती ने आखिरी गलती समझ के माफ करूं। गलत नाम की तक शाही कोई ना। किसकी बात कर रहे है? गुल्लू वापिस आ गया है महल में। जिसके मुंह ने हराम लग जावे ना उसनो हलाल हजम कोई ना होवे। दुआ करानी है? सरकार बीबी से मिलना। भीड़ बहुत है आज। भीड़ में इंतजार कर लो।
भेड़िए से जो बचना है। जा चली जा भीतर। ये बात है छोरी, कौन सा दुख सीने पे बोझ बन गया जो इतने आंसू बहा रही है? हमारा प्यार है सरकार बीबी। यो तो अच्छी बात है। उसीता जालिम की चौकट में लुट जाएगी। क्यों, थारे साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही है? नहीं, मर्जी से हो रहा है। तो फिर मसला क्या है? जिस कोर्ट में ब्याह के जाओगे मुद्दा सही की कोर्ट है। हमारा होने वाला मर्द ब्याह से राजी कौन है तो दस साल की वजह से अब वो मजबूर हो गया। हमारे अबे ने धमकी दी है जब ब्याह क्यों ना करेगा तो वो उनकी छोरी को तलाक दिलवा देगा हमारे वीरे से। अब जब फैसला हो गया छोरी तो जाना तो पड़ेगा ना। पर मन्ने तो सुना है थारी दुआ से सब ठीक हो जावे। ठीक सुना है, जिससे भी सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। तें जा, हम थारे लिए दुआ करेंगे। मैं वहां चली गई, वो थारी दुआ कबूल ना हुई ते। इब ते अल्लाह के काम है, तन्ने वहां जाना है ताही ते मदद ने आना है ना। अल्लाह पे यकीन रख। चलो दुआ करो। यहाँ क्या कर रहा है शहजाद? यहाँ अपने पुरखों को देख रहे हूँ दाद साईं। ये शान शौकत थी जब जिंदा थे। हैं शान से जिए सब। और मरे? बस अपनी आई पे मर गए। आई गई थी कि लाई गई थी? जो ले आई गई वो भी आई थी ना। दाद साईं, एक जैसे शक्ल की दो तस्वीरें लगी हैं दीवार पे और तीजान को देख कर याद कर रहे हैं। एक दिन आएगा दाद साईं जब तीसरी फोटो भी दीवार पे लटकी हो। दोबारा जो बात अपनी जबान से निकाली तो मारे से बुरा कोई ना आएगा। शहजाद, ससुर जी। के बात है बड़ी माँ? मारा जरमान सवेरे कराची पहुंच रहा है। यो तो बड़ी खुशखबरी सुना दी। अरे चल के ले आएंगे भाई को, खुश हो जाएगा बेचारा। के कहे दाद साईं? हाँ हाँ, ले आओ जाके। तो आप कोड़ा जाओगे ससुर जी? मैं आज हकीम के पोते का ब्याह है कुटिया गांव की छोरी से।
पैगाम दे आया हूं रस्म का। नहीं ते लोग जाओ, मड़े साहब में प्रिया का एक फैसला करना है। हाँ सही है दाद साई, भाई के इस्तकबाल की भी तैयारी हो जाएगी और दाद साई का भी काम हो जाएगा। हाँ चल बड़ी अम्मा तैयार हो जा, मैं भी कोट बदल के आता हूँ। हैं चलो दाद साई, हमारी एक बात का जवाब दे, जो मर गई थी तो जिंदा कैसे हुई और जो जिंदा थी तुम्हारा बाप कैसे मर गया? इसके मरदने बाहर ले जा। चल रे मरग पे आए सब, ढोलक सोलक कोना बजरी, ढोलक बजावे। अब पता लगाना कि रस्म हो रही है। बुड्ढा कौन होया, बस खुशी में कुछ ज्यादा पी ली मन्ने। चल नजदीक से देख ले मैं तन्ने। गुल्लू सही आवाज दे रहे तन्ने? अरे आवाज नहीं कर रहे, मारा नाम लेकर छोरी ने डरा रहे हैं। महल मां सन लगानी है, इस वास्ते तन्ने अपने साईं का वफादार बन के महल मां वापस जाना होगा। नहीं दासई मन्ने कदी माफ नहीं करेगा,
तेन दास आई के हर राज की कटरी है, तने वापस आता देखकर अपने सीने से लगा लेगा। गुल्लू, तीन औरतें गई थी भीतर, वो बाहर कौन आई? रमन ने पता है तीन औरतें गई थी भीतर, वापस कौन आई? दास आई का जी बहला रही होंगी। देख ले दासाई, आज मारी दुआ मारे ही रूप में पूरी होके थारे सामने बैठी है। बस अब फैसला होना बाकी है। तन्ने कहा था ना, जो बच गया वो मुरीद, जो मर गयो वो शहीद। जो बच गयो वो मुरीद, जो मर गयो वो शहीद। पर थारे करतूतां के साथ तो शहादत को ना लिखी जावे। तेरे बच्चे की कोड़ा जिंदा, पहले अपने पैर आते थे मजबूत हो ले, फिर मारने की बात करियो। के होया, मरने से डर लागे है? मरने से तो सभी ने डर लागे है, तने कोना लगे डर? लगे था, अपने मरने से नहीं, मारे फकीरा नो कुछ ना हो जावे इस बात से बड़ा डरती थी। पर जब वो मर गया ना, तो मारी जिंदगी भी मर मुक गई। अब ता तेरे सामने मुर्दा लाश बैठी है, और मुर्दा नू मरने से डर थोड़ी लागे है। रुक जा मेरे साईं, बचा बचा की आवाज कर रहे गुल्लू। अरे बचा बचा की आवाज ही नहीं कर रहे, ओके ना, कदी कदी बुढ़ापे में बचपन की शरारतें करने को जी चावे, तो बड़ी बातें कर रहा है हैं? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। चल जा, वहां जाके पहरा दे, चल रह तू वहां जा। के होया दासाई, पहले तो कहा था कि मर्द नु दर्द को ना होवे, अब हो रहा है ससुरी जी। ए छोरी कुल्हाड़ी ला। फैसला, तारे गरूर की मौत का फैसला। दासाई के हो? ए वफादार, कोई चलाकी ना करियो, नहीं तो थारी वफा यतीम हो जावे कि तारे मालिक से। जल्दी से जाके गाड़ी लेकर आ, थारे मालिक को अस्पताल लेकर जाना है। बोले सो जा गुल्लू। दासाई मार ले इसकी। तुम दोनों उसको इसके मर्द के पास लेके जाओ। औरतें? अभी हमारी इस घर से रिश्तेदारी की एक गांड बाकी है, जिसे निभान वास्ते जाऊंगी। चल। जिंदा कौन से जुलम की सजा दे रही है?
मैं जिंदा। तेरे दोस्त का फोन आ गए। बच्चा जब घर से बाहर चला जावे ना तो इतना फोन तो उसके माँ बाप पर ना करें जितना तारे दोस्त करें। जब की होया कुछ नहीं बड़ी माँ, वो दोस्त का फोन है, वो पार्टी पे बुला रहा है। मैं कहूँ कि मैं कोड़ा जाना। ना क्यों? वो दाद सा इंतजार कर रहे होंगे ना। शुक्र है तन्ने होश आ गई। मैं तो समझी थी कि दाद सही मैं चाहती तो तरने जान से मार देती, पर यो मरना भी के मरना, के बंदा एक झटके में मर जावे। तैं भी थे मन्ने मार मार के जिंदा रखा था, आज थारा वो कर्ज भी चुका दिया मन्ने। जिंदा मारे हाथ से मरेगी। फिर वही बात। अरे मरी को क्या मारेगा तैं? एक बार मन्ने थारे से बोला था कि औरत सिर्फ अपने मर्द के लिए मोमूव है, वरना औरत जैसा तो पत्थर भी पत्थर ना होवे। अल्लाह से माफी मांगा कर। तन जल्दी से तैयार होके तख्त पे आ जा। छुट्टी करा देना नानो, बहुत थक गई हूँ। ना बेटा, उम्मीद ला के आने वाले को दुआ तो देनी है ना, कबूल तो डाडे ने करनी है। जा तै तैयार होके आ जा, जिंदो आ गई तो तन्ने उठा लूंगी मैं। जिंदो भी तो थकी हारी आवेगी अम्मा। दुआ कर खैर से आ जावे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ना जब तक जिंदो ना आवेगी मने आराम को ना आवेगा। सारिया ने परेशान करके अपनी जिद पूरी करन चली गई। क्या कहूं मैं तन्ने? क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर बोले थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी। मैं जरा दासाई को देख लू वरना शक हो जाएगा। बैठी किसका इंतजार कर रही है? जिंदो का पीर सिंह। तारे साथ वापस नहीं आए वो? ना, दास सिंह को लेके अस्पताल चली गई। क्या जरूरत थी जाने की? ये बीमारी बात तो कौन सुने? तैं भी तो रात को नाराज होके चले गए थे। मन ने सोचा
मारी नाराजगी से डर के वो मुड़ जाएगी, वरना उसके मन में जो आवे है वो करके ही दम ले। हम तो बस दुआ ही कर सके हैं। जिंदो आ गई पीर सिंह। दासी के दवा दिए सरकार बीबी ने, मैं तो मुरीद हो गया और पूरी भी हो गई। वाह, अरे मोरी हवा निकल गई और तवा कर रहा है ससुर है। दासी मनने लगा छोरी अपने को बचान वास्ते बचाओ बचाओ कह रही है, ते आप उसकी नकल उतार। असल में वाज दे रहा था तूने और तेरी नकल समझ के मरवा दी मैंने। अगली बार ऐसा ना हो दासी। कौन सी अगली बार? और सुनो, वो जो जिंदो है ना, बच्चे को ना मारे हाथ से दासी। अरे पहले यो पता कर मारे सबूत आ गए के। नौकरानी बतावे थी कि बड़ी बीबी का फोन आया था, वहीं रुक गए, सवेरे आवेंगे। बतायो गुणा क्यों? कह रहे थे कि आण के बताएंगे। यो तो अच्छा ही हो गया दासी नहीं आए, तो हर एक जबान पे एक ही सवाल होता और जवाब ना। तो कोई बात ना करेगा उनसे, मैं आप ही बना लूंगा जवाब। दासी किसी और शय की जरूरत तो नहीं? ना, तो जा। हाँ। गाड़ी ने सरकार बीबी की तरफ मोड़ ले, दुआ लेनी है मैंने। जी बड़ी। उसके पास कोई जवाब नहीं था हमारे किसी भी सवाल का। सवाल तमन ने भी किया है, जो आप तय भी कोना दे रही। कौन सा सवाल? यो के तय क्यों गई थी? तन्ने पता है ना वो दुश्मन है। हाँ, दुश्मन ता है। फिर जान की क्या लोड़ थी? मारी दुश्मनी का एक रिश्ता बाकी रह गया बाहू, बस उसी को निभाण वास्ते गई थी। कौन सा रिश्ता? मारी जुगनी के छोरे का रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा छोरा है जरमान, ये उसकी लगाई। जा बच्चों, जाके सरकार बीबी की दुआ लो। जा जरमान, बहुत है भी जा। यो शहजाद हसरत का छोरा है जुगनी सर। हाँ
बोल सके। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।